भागलपुर बिहार का तीसरा सबसे बड़ा शहर, जिसके बूढ़ानाथ मंदिर में विराजते हैं शंकर, जिसके विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे दिनकर, जिसकी गलियों में आज भी शान से रहते हैं बुनकर। भागलपुर का जो ये सिल्क है, ये सदियों पुराना है। यहाँ भागलपुर में तसर जो बनता है, इसकी खेती भी यहाँ होती है। बगल बगल में जो गांव में है, इसके अर्जुन के पेड़ के ऊपर इसकी खेती होती है, और इसके ककून वगैरह जो है, उसका प्रोसेस वगैरह भी यही होता है। सिल्क तो बहुत बनता है, सिल्क तो आपको बेंगलोर में भी बनता है, बनारस में भी बनता है, लेकिन जो भागलपुर के सिल्क का जो एक गेस्चर आता है, जो इसके एक चमक आती है, जो इसमें एक ताकत रहती है, वो ताकत आपको बाकी किसी दूसरे सिल्क में नहीं मिली। देखिए, प्रकृति ने चार तरह के रेशम जो है इंसान को दिए हैं। पहला है तसर, दूसरा है मलबरी, तीसरा है एरी, चौथा है मूंगा। मूंगा चूंकि इसका प्रोडक्शन बहुत ही कम है, और ये सिर्फ आसाम के मेघालय में ही इसके ककून मिलते हैं, तो ये दाम जरूर इसका तेज होता है। बाकी तसर के मुकाबले ये भी कहीं नहीं मिलता है। तसर अपने आप में इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, और भागलपुर और यूँ कह लीजिए झारखंड कह लीजिए, झारखंड चूँकि वो बिहार से अलग हो गया, तो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये चार स्टेट ऐसे हैं जहाँ प्रोडक्शन होता है। लेकिन उत्पादन तसर का, प्रोडक्शन चाहे जहाँ भी होता हो, उत्पादन जो भागलपुर में तसर का हो जाएगा और जो सामान तसर का भागलपुर में बन जाएगा, वो चारों स्टेट मिलके भी नहीं बना पाते हैं। तसर का मुकाबला कोई भी सिल्क नहीं कर पाएगा। तसर अपने आप में जो है वो इसमें एक इस तरह का लट्ठा जमा रहता है, इसमें एक तरह का गम रहता है कि वो सालों साल उसको जो है मजबूती के, वो मजबूती किसी दूसरे सिल्क में नहीं आती है। आवरलूम के काम में प्रोडक्शन ज्यादा है, हैंडलूम में प्रोडक्शन कम है। और हैंडलूम का क्या है कि इसमें कपड़ा का शाइनिंग में डिफरेंस है। इसमें रीड का जो धागा होता है, रीड का धागा एक जैसा नहीं रहेगा, पिक का धागा एक जैसा नहीं रहेगा, और पावरलूम में क्या होता है, स्टेड रहेगा, एक जैसा रहे। ये पकड़ के कारण से मतलब ये जान जाता है कि पावरलूम का कपड़ा ये हैंडलूम का कपड़ा, और हैंडलूम का कपड़ा का लास्टिक ज़्यादा है और पावरलूम का कपड़ा का लास्टिक ज़्यादा नहीं है। इस वजह से हम लोगों से जो ऑर्डर बनवाते हैं, जो भी महाजन, वो हैंडलूम से ही तैयार करने के लिए बोलते हैं। हमारे यहाँ पे 40 घर थे, 40 घर में चार तीन लूम करके रहते थे, जिसमें से कि बुनकर हम लोगों तो उतना थे नहीं, लेकिन सारा बुनकर बाहर से देहात से आते थे काम करने के लिए, यहाँ काम करते थे मजदूरी पे और करते थे और कमा कमा के जाते थे, कुछ रह भी जाते थे यहाँ पे। बाहर वाला ही लूम चलाता था, हम लोग उसका देख रेख करते थे, हम लोग करवाते थे। अभी मेरे गांव में 30 के संख्या में है, 25-30 के संख्या में चल रही है, अपने से वर्क करते हैं, बाहर के कोई भी अब बुनकर यहाँ पे नहीं आते, क्योंकि मजदूरी अब पड़ता ही नहीं है। मजदूरी जनरल मजदूर का मजदूरी 350-400 मिलता है, और यहाँ पे वो आके कमाते हैं 200 रुपया, इसलिए कोई भी खाना नहीं चाहता। हम लोग जो अपना सब परिवार मिल करके 300-400-500 कमाते हैं, उसमें हम लोग गुजर बसर कर ले, इसलिए हम लोग मजदूरी नहीं करते। हम लोग मजदूरी करने में सक्षम नहीं है, इस वजह से मजबूरन है कि हम लोग हैंडलूम पर के पड़े। कहते हैं हीरे की कदर जौहरी को ही होती है, और हमारा हीरा हमारी परंपरा, संस्कृति और हमारे धरोहर, और इन बुनकरों की भी कहानी कुछ ऐसी ही है।
एक युवा होने के नाते ये शायद हमारी जिम्मेदारी है कि इनकी चमक को हम बरकरार रखें, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम ये बता सकें कि ये चीज़ें था नहीं हैं।